बच्चा बर्डी, आज रोटेशनल मोशन पे लेक्चर 04। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने सम्स का प्रैक्टिस किया, बेसिक सारा फॉर्मूला देखा, थोड़ा बहुत टॉर्क पे भी डिस्कशन हुआ अपना। अब मामला थोड़ा और गंभीर होता जा रहा है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। आगे ये चैप्टर चल नहीं सकता है बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना डिटेलिंग करता हूँ मैं हर साल, मुझे 4 से 6 लेक्चर लग जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जस्टिफाई करने में। ठीक है, तो आज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझाया जाएगा वेरी बेसिक लेवल की चीज़ क्या है, व्हाट इज दिस क्वांटिटी एग्जैक्टली, उस पर डिस्कशन होगा। 2-4 अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाकी का अगले लेक्चर में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 से 6 लेक्चर लेगा, आराम से शिद्दत से पढ़ाई होगी। ठीक है, चलो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बला है, इनर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब पता है आपको, इनर्शिया होना मतलब, व्हाट इज इनर्शिया, बॉडी अपोजिट टू चेंज द मोशन। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे बोलते ना बॉडी अपोजिस टू चेंज द मोशन, सिर्फ मोशन वर्ड नहीं बोल सकते हम, बॉडी जिस भी हालत में है उस हालत में से वो चेंज नहीं होना चाहती, कोई उसको चेंज करने का कोशिश कर रहा है तो बॉडी अपोज करती है, दैट क्वालिटी ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब कोई मुझे इधर से धक्का मार रहा है लेकिन मैं हिल ही नहीं रहा हूँ, मैं अपोज कर रहा हूँ, तो ये मेरा इनर्शिया जो मुझे अपोज करवा रहा है, समझा कि नहीं। तो बॉडी रेस्ट पे भी होगा तो भी वो अपोज करने का नेचर रखता है। मान लो बॉडी मोशन में है और उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसको रुकना नहीं होता, उस वक्त उसका इनर्शिया उसको मोशन में रखने का सपोर्ट करेगा। व्हेन बॉडी इज इट रेस्ट, इनर्शिया विल सपोर्ट टू मेक इट ऑन द रेस्ट, बट व्हेन बॉडी इज इन मोशन इनर्शिया विल सपोर्ट इट टू रिटेन द मोशन। तो हम सिर्फ मोशन नहीं बोल सकते, ये बोल सकते कि बॉडी जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रखने वाला बिहेवियर, उसी सिचुएशन में रखने वाला प्रॉपर्टी, नेचर, क्वालिटी, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है कि नहीं ठीक है? तो एक्चुअली इनर्शिया है ना, ये समझो ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यही तो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन करेगा। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जस्टिफाई करता है ये। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे देख कोई बॉडी है, समझो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत हाई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करने की क्षमता, उसमें चेंज नहीं होने देना है चाहे कोई कितना कोशिश कर ले, हाँ कोशिश ज़्यादा होगी फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है और ये बॉडी रेस्ट पे है अभी, तो आपको इसको घुमाने के लिए, रोटेट करवाने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो हाई चाहिए या कम से चल जाएगा काम? वेरी गुड, इट नीडेड हाई टॉर्क टू मेक इट रोटेटिंग, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत हाई है, वो रोकेगा नॉर्मली टच करने से घूमेगा ही नहीं, तो वो मेहनत करके फिर घुमाना पड़ेगा, तो नीडेड टॉर्क इज वेरी हाई व्हेन इट्स इनर्शिया इज हाई व्हेन इट इज एट द रेस्ट। ठीक है, मान लो बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, धन धनाधन धन बहुत जोरदार घूम रहा है और उसका भी इनर्शिया हाई है, तो उसको रोकने के लिए जो अपोजिंग टॉर्क होता है वो भी तो हाई चाहिए ना, अपोजिंग टॉर्क होता है वो भी तो हाई चाहिए ना, क्योंकि इनर्शिया हाई है मतलब अब वो जो सिचुएशन में है उसको मेंटेन करना चाहेगा इनर्शिया, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उसको, अब आप उसको रोकना चाह रहे हो तो वो रुकेगा ही नहीं, हाँ तो आपको हाई टॉर्क देना पड़ेगा तो वो रुकेगा, और वो टॉर्क अपोजिंग डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि इसको घुमाने वाला भी कोई टॉर्क उधर होगा, तो आपको जो टॉर्क देना है वो अपोजिंग डायरेक्शन में हाई लेवल का देना है, समझा? ये बेसिक समझ है इनर्शिया की अपनी लाइफ में कि इनर्शिया क्या होता है, क्लियर है? यू हैव एनी डाउट अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर्शिया? मेरे हिसाब से इनर्शिया आप 11वीं के बच्चों को इसी तरह से समझाया जा सकता है आसानी से, ताकि आप तक डिलीवर हो पाए। अब आप इसमें रेडी हो ना तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, अब बेसिक फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं। जैसे देखो ये रहा कोई सिस्टम, सिस्टम जाने दे, एक छोटा सा ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में कोई घूम रहा है ये पार्टिकल, देखो ऐसे घूम रहा है ये पार्टिकल,
ये पार्टिकल का पाथ ड्रॉ किया है मैंने, हाँ पार्टिकल इस पाथ पे घूम रहा है और इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आर, परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ मैं, सुनना गौर से। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो सिंपल फॉर्मूला है भाई, मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास को ले लेते हैं एम और डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं आर, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बिल्कुल देसी फॉर्मूला, किसी भी पार्टिकल के लिए चले वैसा फॉर्मूला, आप जिसको पार्टिकल बोल दो क्वेश्चन में उसके लिए ये फॉर्मूला है। आप शेप बोल दो, जैसे डिस्क है, रिंग है, सॉलिड है, सिलेंडर है, स्फीयर है, अब शेप बोलो तो आई का फॉर्मूला अलग होगा उसके लिए, बहुत सारे आई है, मैं पूरा लिस्ट दूंगा, 4-6 लेक्चर पढ़ाना है ना मेरे को, आराम से दूंगा। लेकिन आपको शेप नहीं है, अनइवन शेप है, कुछ भी पार्टिकल है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है आई का, इससे काम चलेगा आपका एम आर स्क्वायर, क्लियर। अब फॉर्मूला से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं, आसान है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये बन गया इसका यूनिट, सिंपल, ठीक है कि नहीं ठीक है, ओके। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ये एक पार्टिकल है, मैं बोलूँ ऐसे 3-4 पार्टिकल लेता हूँ, एक सिस्टम बनाता हूँ, तो सपोज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इफ वी हैव सिस्टम ऑफ पार्टिकल, चलो ये रहा रोटेशन एक्सिस, इसके अबाउट में ये सब घूम रहे, ये घूम रहा है, ये एम वन मास है इसका, इसका डिस्टेंस क्या है आर वन, फिर मान लो ये भी इसी के आसपास घूम रहा है, इसका डिस्टेंस है आर टू और मास क्या है एम टू, मान लो एक और पार्टिकल है इधर, उसका डिस्टेंस है आर थ्री और मास क्या है एम थ्री, ये सारे इधर ही घूम रहे हैं, ये पूरा एक सिस्टम है जो 3 पार्टिकल से बना हुआ है। अब मैं बोलूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिंपल, पहले पार्टिकल का होगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल का होगा एम टू आर टू स्क्वायर प्लस तीसरे पार्टिकल का एम थ्री आर थ्री स्क्वायर। अब ऐसे 300 पार्टिकल हो जाए अपने को तो एम आर स्क्वायर ही लेना है कि नहीं, आसान सी भाषा में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का सीरियसली, तो चलो अब इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको आगे लेके जाते हैं टॉपिक को, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ओके हो गया ना स्क्रीनशॉट। चलो अब इसमें छोटे छोटे सम्स को लेते हैं, फिर धीमे धीमे सम्स को हाई करके जाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे पहला ये कोई रॉड है, मास लेस रॉड है, मैं मास लेस बोल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो आप, इस रॉड का कोई मास कंसीडर मत करना इस कैलकुलेशन में, ये रॉड का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है क्योंकि मास नहीं है, बहुत हल्का रॉड लेके आया, ठीक है। अब इस रॉड पे 2 पार्टिकल लगाया मैंने, एक इधर लगाया और एक इधर लगाया, ठीक है, और इस रॉड का लेंथ है समझ लो आप 10 मीटर। अब ये सिस्टम इसके सेंटर के अबाउट में घूम रहा है इसे, तो सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है उसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं, उसके अबाउट में लोग घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसका इसका मास है मान लो 2 kg और इसका मास है 3 kg, बहुत सिंपल सा सम है। अब एग्जाम में पूछा आपको कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पार्टिकल है ना एम आर स्क्वायर, कोई शेप होता तो हमको सोचना पड़ता है, शेप के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आई के, इस आई के डगलो फॉर्मूले हैं, अभी हमने शेप पढ़ा ही नहीं है, मैं सिर्फ पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो दोनों है तो पार्टिकल ही। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे इसका ले लूँ तो ये एक्सिस तो यहाँ पर है कि नहीं, इसके अबाउट में ये घूम रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसका 5, क्योंकि पूरा 10 है और ये मिडल में सेंटर में, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर, बोलो क्लियर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर, नाउ इट इज 25 3 25 50 प्लस 75, इट विल बी 125 kg मीटर स्क्वायर आंसर। कहाँ इतना टफ सम है यार, बहुत हाई लेवल सम थोड़ी है, बच्चे जैसा सम है, इसको थोड़ा और ट्रिक कर सकते हम, इसको थोड़ा और डेंजरस बना सकते, कैसे देखो, वन मोर एग्जांपल, जैसे
ये सारा मिटा रहा हूँ, ये चाहिए नहीं ना आपको, स्क्रीनशॉट तो हो गया है ना, तो मिटाने दे भाई। बोर्ड खाली मिले ना तो पढ़ाने का मजा आवे। चलो आ जाओ, ओके इसको थोड़ा टफ करते हैं। जैसे ये रोटेशनल एक्सिस है, इसको यहां से हटा के यहां पे ले लूँ इस पार्टिकल पे, तो अब मामला क्या होगा? तो देखो 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 देखो, यहां पे था आपका m1, यहां पे था आपका m2 which is 3 kg and m1 is 2 kg, the entire distance between them is 10 meter. अब मैं वो जो रोटेशनल एक्सिस है उसको हटा के यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इसके अबाउट में ये पूरा सिस्टम यूं घूम रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका जीरो हो जाएगा, ये नहीं लेंगे। क्यों? एक्सिस पर है, एक्सिस पर है, और एक्सिस पर है तो उसका आर बनेगा ही नहीं, डिस्टेंस आपको जीरो लेना होगा, है कि नहीं? एक सेकंड रुकना पड़ेगा दोस्त, कुछ अर्जेंट आ गया है। पोज इट, वीडियो पोज कर दो। ओके, कुछ था काम था, ये समझ में आपको? एक्सिस को यहाँ पे ले लिया, अब सिस्टम इसके अबाउट घूम रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहो, मान लो इस पार्टिकल का आप करते हो एम वन आर वन स्क्वायर, और इस पार्टिकल का आपने ले लिया एम टू आर टू स्क्वायर। यार आप बोले बच्चे हो, सीधे बच्चे हो, ले लिया कोई बात नहीं, अपने आप निकल जाएगा। देखो 2 kg और यहां से अब ये डिस्टेंस क्या होगा इसका 10, यस m2 3 kg, और एक्सिस से इसका डिस्टेंस एक्सिस पर ही तो पड़ा है जीरो, हाँ ये हो जाएगा 100 into 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आंसर समझा कि नहीं समझा? है इजी कि बहुत ज्यादा टफ है? तो यार अब सुनो गौर से, इन दोनों फिनोमिनन को गौर से देखो, क्या फर्क पड़ा? फर्क क्या पड़ा? इसमें आई 125 था, इसमें आप लोग बच्चा लोग है ना, हमेशा फॉर्मूला रख के आंसर लेने से ही मतलब रखते हो, और मेरा काम ऐसा नहीं, मैं तो ऑब्जर्व करता हूं कि आंसर में ये फर्क क्यों पड़ा और ये फर्क हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। सोचो आप लोग, ये 125 और ये 200 कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बढ़ गया? अरे ऐसे नहीं, कोई एक जना बोलेगा, बोल क्रिश। इसमें दो मास थे इसलिए इसका इनर्शिया ज्यादा होता था इसमें, और इसमें एक ही मास था इसलिए, और वो एक मास सेंटर पे था इसलिए इनर्शिया कम होगा, इसलिए इसमें 200 ज्यादा है, डिस्टेंस भी ज्यादा है और उसमें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को नहीं आता भाई, आप सिखाओ मेरे को कि 125 इसमें आया और इसमें 200, ऐसा तो क्या फर्क पड़ गया कि इतना चेंज हो गया? पहले तो इनर्शिया चेंज हुआ कि नहीं? yes. मान रहा इस बात को? yes. मतलब ये पक्का कंफर्म डायलॉग बन गया आज से अपने पास कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब आपका रोटेशन एक्सिस यहां पर था बीच में, तो आपका इनर्शिया का आंसर कुछ और था। जब आपका एक्सिस वहां से हटके कहीं और चला गया और ऑब्जेक्ट इसके अबाउट में घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर अलग है। तो ये एक डायलॉग तो पकड़ के चले अपन, क्या कि आई डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ना स्कूल एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसमें वन मार्क का इंपॉर्टेंट वीएस की हो सकता ही है कि आई किस पे डिपेंड करता है मेनली। चार ऑप्शन देंगे, उसमें एक ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है मेनली, ठीक है कि नहीं? ठीक है, पक्का? अब वो तो बताया नहीं आपने कि ये 125 और 200 इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, बताओ। डिस्टेंस बढ़ गया इसमें, मटेरियल का डिस्टेंस बढ़ गया, मटेरियल का डिस्टेंस बढ़ गया, बात तो सही है आपकी, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ बात करो। ओके बच्चा पार्टी हो गया, मस्त डिस्कशन। अब एक सम लेते हैं, उसको ही लंबा खींचते हैं, मतलब एक ही सम को कितने तरीके से पढ़ा सकते हैं, कितने टाइप का क्वेश्चन उसमें बन सकता है, बताता हूँ। देखो जैसे अपने पास एक स्क्वायर है, समझो ये रहा स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा साहब, ये रहा स्क्वायर, ठीक है चलो डन। अब ये स्क्वायर पे चार पार्ट, जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है, स्क्वायर के चार वर्टाइसेस हैं, चारों पे एक एक पार्टिकल रख दो इक्वल मास का, जैसे सबके मास 2 kg समझ लो, ये रहा एक मास, ये रहा एक मास, ये रहा
एंड हेयर इज ऑल्सो, इन सबका मास क्या ले लेता हूँ, 2 kg, m इज इक्वल्स टू 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 2 kg, ठीक है, ओके। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकते हैं एग्जाम में, रोटेशन एक्सिस को बदल, हर बार नया आंसर आएगा, रोटेशन एक्सिस को सिर्फ बदलना है। तो देखो, जैसे पहला केस है, वेरी फर्स्ट सीन, आप मान लो कि ये जो चारों है ना, ये मासलेस रॉड है, हाँ, इनका मास कहीं कंसीडर नहीं करना, हमको सिर्फ ये 4 पार्टिकल कंसीडर करना है, वो मास वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कि एक्सिस ऐसे लिखा होगा, एक टेक्निकल लैंग्वेज जो आपको समझना होगा, क्या लिखा होगा कि एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अबाउट दिस एक्सिस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सिस्टम, ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन, क्या अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये एक्सिस कहाँ है, अभी लगा दिमाग, रुक बताता हूँ, रुक, मेरे पास बहुत कुछ होता है क्लासरूम में, इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, हाँ रुको, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर मतलब यहाँ से पास हो रहा है एक्सिस, यहाँ से ऐसे भी पास हो सकता है, सेंटर में से जाना है ना उसको, तो ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी समझा, लेकिन उनको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये वाला एक्सिस बोल रहे हैं एग्जैक्टली, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्जी ढूंढ के लाना है, रुको यार थोड़ा लंबा पड़ रहा है, हाँ इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्जी लाना है इनको, अब इसके अबाउट में देख आराम से, जैसे सबसे पहले ये वाला पार्टिकल है, ये रहा, दिख रहा है इतना दूर, ले ले इसके लिए एम आर स्क्वायर, लिया, ये डिस्टेंस हो गया आर, ओके, फिर इसके लिए आर अगेन सेम आएगा ना, स्क्वायर है ये, तो इसके लिए भी क्या ले लोगे आप, एम आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ना अपने को, तो इसके लिए फिर से एम आर स्क्वायर, और इसके लिए एम आर स्क्वायर, हो गया कि नहीं, yes. हाँ पक्का, yes. अब आपकी होशियारी चाहिए, डिस्टेंस है नहीं है, मान लो ये लेंथ दे दिया आपको 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये सारा डिस्टेंस ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 5√2 होगा, तो ये आधा क्या होगा, 5√2/2, ले लो, अब ये तो इक्वल टर्म है ना भाई, शूटिंग रिकॉर्डिंग देखना आ रहा है कि नहीं, नीचे करना थोड़ा कैमरा, 4 times ऑफ एम आर स्क्वायर हो रहा है 4, अब मास कितना है 2 kg, आर कितना है 5√2/2, मतलब इसको स्क्वायर कर दो 25, रुक जा भाई, 5 का 25, √2 का 2/4, 25/2, हाँ वो कर सकते हो, तो ये आपका आएगा आंसर 100, बोलो क्या बोलते हो, है कि नहीं इजी सम एकदम। अब इसको कितने तरीके से आप घुमा सकते हो, देख वन मोर ऑप्शन, अबाउट एन एक्सिस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, रुक जा, पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर टू प्लेन, अब इसका मतलब समझो, पहले एक्सिस डिसाइड करो अपनी, रुक बताता हूँ, एक्सिस ए में से, अब ए में से पास होने वाली तो ये भी है, देखो ए में से ही जा रही है, ये भी जा रही है, ये वाली परपेंडिकुलर पूछा है भैया, ये वाली एक्सिस इस बार यहाँ पे आ गई कि नहीं आई, पक्का, तो इसको अलग से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सिस इस बार यहाँ पे आई, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसके आसपास यूँ घूमेगा, अब यूँ घुमाना चाह रहे वो लोग, समझ में आ रहा है, पूरा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब सीन ऐसे बन रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक्सिस है, इसके अबाउट में पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूमना चाहिए, ये इनका रोटेशन का आइडिया, यहाँ पे एक्सिस है ना, समझा कि नहीं, तो कोई बात नहीं, अपने लिए आसान है, देखो
सीधा कैलकुलेशन करें। अब यहाँ पे एक्सिस है तो सबसे पहले ये वाला पार्टिकल देख ले, ये वाला पार्टिकल को एम आर स्क्वायर, इसका मास है 2 kg और इसका डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर, हो गया खेल खत्म। फिर अब किसकी बारी आई, इसको देख लो, इसको देख लो, एम आर कुछ भी डिस्टेंस ले लेनी यार, ये मास और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है 5√2 बोलो क्लियर। अब ये वाला पार्टिकल को गिन लो, मास इनटू डिस्टेंस। अब बारी है इस चौथे पार्टिकल की, लेना ही नहीं है, एक्सिस पर ही है तो 0। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, 25 50, ये हो गया 50 100, टोटल आंसर इज 200। बोलो समझ में आया, वही सम वही सिस्टम, केवल एक्सिस यहां से हटा के यहां पे ले लिया आपने, आई देखो 100 से 200 हो गया। बच्चा क्या करता है, इसकी प्रैक्टिस करके जाता है, इसकी करके जाता है, लेकिन एग्जाम में कुछ और पूछते हैं तो कुछ और में कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक्सिस पढ़ के समझना और देखना कहां पर है, वो एक्सिस ही आपको फंसाएगा। देख इसमें एक और ट्रिक करते हैं एक्सिस की, चल थर्ड ऑप्शन, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, पढ़ो ध्यान से, पढ़ के समझो, इमेजिन करो कि एक्सिस कहां है सर की, पासिंग थ्रू ए बी पैरेलल को ऐसे शो कर सकते हैं ना, पैरेलल टू प्लेन, देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमेशा ऐसे आता है आपका ये वाला, लेकिन पैरेलल बोल रहे हैं ना तो ऐसे ये वाला निकल लिया। अब ए बी में से पास होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, ये रहा है कि नहीं, मतलब इसके आसपास अब ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है, मतलब इस बार घूमना ऐसे हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्सिस है ना तो इसके आसपास यूं घूमेगा, पूरा ऐसे घूमेगा, देखो यूं घूमेगा ये इस बार, तो समझा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है, इसके आसपास ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा घूमना होता है। आपको ये कि रोटेशन सिर्फ इसी को बोलते हैं बीच में से होना, आपको ये भ्रम है कि इसी को रोटेशन बोलोगे, ए नहीं भाई, इसके अबाउट में भी रोटेशन हो सकता है, इसे समझा, इसके अबाउट में भी ऑब्जेक्ट घूम सकता है, समझा कि नहीं, ठीक है चलो। तो इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ बन रहा है, ए बी पे, मेरा तो आंसर आ गया अब आपको पढ़ाते, ए बी पे बन रहा है ना, ये दोनों पार्टिकल तो फ्लॉप हो गए, एक ये बचा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, ये बचा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, तो ले लो एम आर स्क्वायर, दोनों का इक्वली आएगा ना एम आर स्क्वायर, 2 kg और डिस्टेंस 5, 2 kg और डिस्टेंस 5, आंसर इज 100, खत्म। बोलो कैसा लगा, अच्छा है, एक और देता हूँ उसको घुमाते हैं, चलो आ जाओ, वन मोर, आप सिर्फ कैमरा यहाँ पे कवर करते रहना। चौथा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पढ़ो इस बार एक्सिस और डिसाइड करो कि ये वाले ड्राइंग में कहाँ आ रहा है सर का एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल, सीधा ही शॉर्ट एंड स्वीट, एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल, ये वाला या कोई भी वाला ले लो, तो यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, ये दोनों पार्टिकल तो गए, सिर्फ ये और ये बचा कि नहीं, तो ले ले आई इज, अब इसके बाद एक और टफ है लास्ट वाला, आई इज इक्वल्स टू, इसके लिए एम आर डिस्टेंस कितना है 5√2/2 इंटू ट्वाइस, अरे यार ये एक्सिस है तो इसका डिस्टेंस 5√2/2, इसका डिस्टेंस 5√2/2, दोनों इक्वली तो है, हाँ तो 2 × 25 × 2/4 × 2 गया 50, आंसर आया, ले बोल क्या बोलता है दोस्त, है आसान सा टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का इंट्रोडक्शन है ये, सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब मेरे दिमाग में एक और सम आ रहा है, अपने इतना सारा प्रैक्टिस किया ना, मैं जो दूंगा वो आपको नहीं आएगा, वो इसी में से दूंगा, इसी ड्राइंग में से, लेकिन थोड़ा ड्राइंग को इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ओके बच्चा लोग, एक लास्ट क्वेश्चन इसका आखिरी, ये ड्राइंग दिख रहे ना, मैं भी दिख रहा हूँ ना
देख इसी ड्राइंग को यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लेते हैं। इस बार एक्सिस के बारे में कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट दे देता हूँ कि ये वाली एक्सिस है। यहाँ पे आपका 2 kg है, यहाँ पे ये मास अलग भी रख सकते हो आप यार, लेकिन क्या स्पीड चाहिए ना पढ़ाने में, तो फिर कैलकुलेशंस अवॉइड करने का थोड़ा। 2 kg ठीक है, ये डिस्टेंस तो आपको पता है 5 5 5 5, ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है, 5√2 का भी आधा, ये पूरा 5√2 है पाइथागोरस, ये तो 5√2 का भी आधा है कि नहीं। अब मेरा क्वेश्चन, मेरा एक्सिस पासिंग थ्रू एनी वर्टाइजेस पैरेलल टू द डायगोनल, पासिंग थ्रू वर्टाइजेस, डायगोनल यहां पे होता है उसके पैरेलल यूं इधर से जा रहा है एक्सिस, देखो ब्रूम ये वाले एक्सिस के अबाउट में घूमेगा ये पूरा ऑब्जेक्ट यूं, समझा कि नहीं। और वो जो घूमेगा उसका सेंटर यहां पे होगा, समझ में आ रहा है कि घुमा के दिखाऊं, ये आ रहा है ना पकड़ में, ठीक है। अब लगाओ दिमाग, इसका हाइट ढूंढ के लाओ, पहले ये वाला पार्टिकल तो गया, इस वाले पार्टिकल का तो फैसला हो गया ना, ये रहा। हाँ तो देखो क्या लेंगे, मास इनटू ये वाला डिस्टेंस 5√2 का स्क्वायर, आ गया सर आ गया। अब इस पार्टिकल का डिस्टेंस 5 है ना, क्या बोलते हो, इस पार्टिकल का डिस्टेंस 5, आ रहा है मजा, तो कहाँ टफ था। आंसर ला दिया होता ना तो सबको दोता। हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस रॉन्ग है साहब, बच्चा यही खाता है गच्चा, बच्चा यही खाता है गच्चा, ये इस पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ये क्या सीन हो रहा है देख रहे हो आप, बाहर निकल के देखो, ये रहा एक्सिस और ये रहा आपका 2 kg, और आप इसको ले रहे हो, इसको 5 ले रहे हो, पागल हो, ये कहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यार। कंपोनेंट के चक्कर में भी मत जाओ, अपने पास तो बहुत आसान से तरीके हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना आपको, तो इस पार्टिकल का इस ब्लू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है ड्राइंग में, यहां से दिख रहा है, देखिए रहा है कि नहीं, इसका यहां से दिख रहा है देखो, है कि नहीं। अरे मेरे मूर्खानंदो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये इक्वली तो होगा 5√2/2, होगा कि नहीं इक्वल, तो इस डिस्टेंस को इतना ले सकता हूँ 5√2/2, समझा कि नहीं, है ना आसान से सम। लेकिन पहली बार 5 5 लिया सर ने तो बहुत सा बच्चा हाँ बोल रहा था, अरे हाँ सर, अरे इतना इजी सर, अरे मजा आ गया सर, ऐसे थोड़ी चलता है। 5√2/2 का स्क्वायर, 5√2/2 का स्क्वायर, अब सॉल्व करो इसको, 25 × 2, ये हो गया 25 × 2/4, 25 × 2/4, ये 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, 25 50, 150 आएगा आंसर, ले मजे कर, बोल कैसा लगा लास्ट वाला सम भाई, बढ़िया है सही में, ऐसे ही मुंडी मत हिलाओ रे, माँ की कसम है सच बोलो, मजा आ रहा है पक्का, ये अच्छा था ना, मैंने बोला तो था लास्ट वाला थोड़ा दमदार। अब बहुत हो गया आज इंट्रोडक्शन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही पढ़ाया जाएगा भाई, अब तैयार करके आओ थोड़ा इसको समझो, और 2-4 सम्स करो बाहर से प्रैक्टिस। आपको जो क्वेश्चन बैंक दिया गया उसमें 42 43 45 शायद ये सारे सम्स इसी पैटर्न के हैं इजी फॉर्म में। अब सुनो अगले लेक्चर में क्या करना है आपको, अगले लेक्चर में इसका पैरेलल एक्सिस थियरम और परपेंडिकुलर एक्सिस, दो थियरम है मोमेंट ऑफ इनर्सिया को डील करने के लिए, वे हैव टू दो थियरम पे बात होगा डिटेल में, तो थोड़ा आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ के भी आना तो आपको मजा आएगा, ठीक है ओके। अगले लेक्चर में इसके थियरम पे डिस्कस करेंगे, चलो टाटा बाय बाय, स्क्रीनशॉट ले लो।